नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो हमारा बीए सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया, उसका एक टॉपिक है गरीबी का दुष्चक्र, वर्शियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, अर्थात अर्थव्यवस्था में कुछ इस प्रकार की बाधाएं पाई जाती है कि जहां पर जो अल्प विकसित और अर्धविकसित देश है वे लगातार गरीबी के अंदर ही जीते हैं, गरीबी में रहते हैं। तो इसको कई अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है गरीबी के दुष्चक्र की। गरीबी का दुष्चक्र के संबंध में एक स्टेटमेंट है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, अर्थात गरीबी का कारण ही अपने आप में गरीबी है। अब हम देखेंगे कि क्यों एक देश जो गरीब है वो गरीब है, इसका कारण है कुछ, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पीछे दो प्रकार के अर्थव्यवस्था में सर्किल पाए जाते हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी जो उत्पादकता है उसको कम बनाए रखते हैं और जिसकी वजह से देश लगातार गरीबी की स्थिति में रहते हैं। तो उसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के जो सर्किल है जो पाए जाते हैं जिसकी वजह से विभिन्न देशों में गरीबी का दुष्चक्र लंबे समय तक पाया जाता है। एक डिमांड साइड है सर्किल और एक सप्लाई साइड सर्किल है। पहले हम बात करते हैं सप्लाई साइड सर्किल। जैसा कि इस रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है कि यदि लिखा है पॉवर्टी और लो इनकम, मतलब ये है कि अगर मान लो हमारी आय कम है, हमारे पास आय कम है तो हमारी जो सेविंग है वो कम होगी, क्योंकि हमारी आय कम होगी तो ज़्यादातर भाग है जो हम हमारे उपभोग पे खर्च कर देंगे, बचत कम होगी। सेविंग कम होगी तो उस सेविंग को हम निवेश में नहीं बदल पाएंगे, अर्थात कम सेविंग होने से निवेश कम होगा, निवेश कम होने से अर्थव्यवस्था में कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा या पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा। पूंजी निर्माण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति में विस्तार होता है। पूंजी निर्माण कम होगा तो हमारी लो प्रोडक्टिविटी होगी, अर्थात कम उत्पादकता होगी। जब उत्पादकता कम होगी तो गरीबी होगी, और गरीबी होगी तो हमारी आय कम होगी, वही आय कम होने से वापस सेविंग कम हो जाएगी, सेविंग कम होने से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल, और कैपिटल से लो प्रोडक्टिविटी होगी और फिर से पॉवर्टी होगी। अर्थात एक तरीके का ये सर्किल पाया जाएगा जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन कार्य होता है। ये एक सप्लाई साइड एस्पेक्ट था जो कि पूर्ति पक्ष की तरफ से बताता है कि गरीबी क्यों पाई जाती है या गरीबी का जो दुष्चक्र है वो क्या होता है। एक डिमांड साइड होता है जो ये बताता है कि यदि हमारी इनकम कम है तो आय के कम होने से क्या होगा कि बाजार का आकार है वो छोटा होगा, स्मॉल एग्जिस्टेंट ऑफ द मार्केट। बाजार का आकार छोटा होगा तो बाजार के अंदर निवेश की जो भूमिका है या निवेश जो है वो कम होगा, निवेश कम होगा तो लो लेवल ऑफ कैपिटल होगा, लो लेवल ऑफ कैपिटल होने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होने से वापस हमारी इनकम कम होगी जिससे कि पॉवर्टी बनी रहेगी, वही इनकम कम होने से फिर बाजार में डिमांड नहीं होगी, क्योंकि जब इनकम कम है तो मार्केट में हम डिमांड नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से बाजार में नया निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होने से पूंजी निर्माण नहीं होगा, पूंजी निर्माण नहीं होने से उत्पादकता में कमी रहेगी और गरीबी रहेगी। इस प्रकार ये एक गरीबी के दो दुष्चक्र पाए जाते हैं, जो एक डिमांड साइड है एक सप्लाई साइड है, जो कि भारत या भारत से जो पिछड़े हुए देश हैं उनमें पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जनसंख्या के बहुत बड़ा भाग है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, उनकी आय कम होती है, आय कम होने के कारण वे अपनी आय को जो है बचत के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाते, बचत नहीं होती है तो निवेश नहीं हो पाता, निवेश नहीं होने से पूंजी निर्माण नहीं होता और जो है हमारी उत्पादकता कम होती है जिसकी वजह से गरीबी बनी रहती है।
इसको हम एक व्यक्ति के रूप में, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि यदि एक आदमी कमज़ोर है, कमज़ोर आदमी है, तो अगर उसको हम भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो वो आदमी कमज़ोर होगा। कमज़ोर आदमी होगा तो जब वो कहीं काम करे या धंधा करने जाएगा तो उसको कोई कार्य पे नहीं रखेगा, क्योंकि वो कमज़ोर है, वो ज़्यादा कार्य नहीं कर पाएगा। कार्य नहीं कर पाएगा तो उसकी उत्पादकता है जो कम होगी, उत्पादकता कम होगी तो उसको जो है रोज़गार नहीं मिलेगा, और रोज़गार नहीं मिलेगा तो उसकी आय कम होगी और वो वापस गरीबी के रूप में ही बना रहेगा। या इसको हम एक बीमार व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि एक आदमी बीमार है, उसको अगर हम पर्याप्त भोजन वगैरह नहीं देंगे तो वो कमज़ोर रह जाएगा और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, और ज़्यादा बीमार होगा तो फिर उसके साथ समस्याएं रहेगी। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में एक ये चक्र पाए जाते हैं जो कि गरीबी के कारणों को बताते हैं, या गरीबी के जो दुष्चक्र है उसके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।